नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पीसीसी चीफ नेता प्रतिपक्ष के बीजेपी ने जाने की अफवाह। पटवारी बोले मंत्री राजपूत बेहोश हैं। सिंघार ने कहा नशेड़ी बीजेपी वालों ने भांग खा ली। मंगलवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के भाजपा ज्वाइन करने की अफवाह उड़ी। हालांकि दोनों नेताओं ने इस खबर को बेबुनियाद बताया और अफवाह फैला रहे भाजपा नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस के दोनों ही नेताओं ने उनके भाजपा में आने की बातें कह रहे नेताओं को नशेड़ी, भांग खाने वाला और गर्मी के कारण उनका दिमाग सटक गया कह दिया। भाजपा में शामिल होने के एक दिन बाद कांग्रेस के सीनियर विधायक राम निवास रावत ने भी बीजेपी के हो गए। दो दिन में कांग्रेस को लगे दो बड़े झटके के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर टेंशन में हैं। मंत्री गोविंद सिंह ने किया था दावा। मंगलवार को सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा करते हुए कहा था हो सकता है कि 7 मई के बाद जीतू पटवारी भी बीजेपी में आ जाएं। मंत्री राजपूत के इस बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भोपाल में मीडिया से चर्चा की और अफवाहों का खंडन किया। गोविंद सिंह ने कहा ऐसे आते रहे तो वो दिन दूर नहीं है 7 तारीख तक जीतू पटवारी भी भाजपा में आ जाएं। जिस तरह से कांग्रेसियों का भाजपा में आना लगा है, हमें लग रहा है कि 7 तारीख तक जीतू पटवारी भी भाजपा में आ सकते हैं। सागर में ही चुनावी सभा में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूं, लोकसभा का प्रत्याशी भी अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और भाजपा में आ रहे हैं। इंदौर में ऐसा हुआ है, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम पूर्णतया जीतू पटवारी के प्रत्याशी थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।